सलेन कुमार है, पीआई फैन क्लब में आपका स्वागत है। 2023 की एसी, जैसे मेरा बस एक्सयू सीरीज का मॉडल लगा हुआ है, इसमें क्या एडवांस दिया हुआ है पूरी कंफर्ट करने के लिए, तो मैं बताता हूँ। इसमें एरो विंग दिया हुआ है। एरो विंग क्या टेक्नोलॉजी है? एरो विंग में हम डुअल क्लैप के सिस्टम के साथ काम करते हैं। ये डुअल क्लैप इंडिविजुअल मोटर से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब इसके लिए अलग मोटर होगी, इसके लिए अलग मोटर होगी, तो डुअल मोटर है, इंडिविजुअल ऑपरेटेड रहती है। ये मोटर्स क्या करती हैं, जहाँ से एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो के एरिया को ये कंसंट्रेट करती है। जैसे जब एरिया कम हो जाता है तो उसका एयर फ्लो बढ़ जाता है। जैसे इसका अगर एयर फ्लो इतना ओपन एरिया से रहेगा तो एक एयर फ्लो बनेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, इतने डिस्टेंस तक एयर जाएगी। जब मैं इस एरिया को कम कर देता हूँ, कंसंट्रेट कर देता हूँ, तो इसका एयर फ्लो मैक्सिमम 45 फीट का हो जाता है। अब इस 45 फीट से मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है? हम एसी हमेशा ऊपर इंस्टॉल करते हैं इंडोर का। अब ये जो एयर थ्रो करेगा वो ऊपर आपके ऊपर करेगा, सीधा कस्टमर के ऊपर अगर सीधा ये एयर थ्रो करता है तो हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है, अनप्लेजेंट कूलिंग रहती है। तो डायरेक्ट कूलिंग ना करके ये ऊपर से कूलिंग करता है। तो जब ऊपर ट्रेवल करेगी ठंडी हवा, तो ठंडी हवा का एक नेचर है कि वो नॉर्मल रूम की एयर से गर्म ठंडी होती है, तो उसका वजन भी ज़्यादा होता है। तो जो ठंडी हवा ऊपर ट्रेवल कर रही है वो ऊपर से नीचे को आएगी, वो नेचुरल फिनोमिना के थ्रू आएगी। इस नेचुरल फिनोमिना को आप बोल सकते हैं कि ऊपर से शावर कूलिंग हो रही है, मतलब ठंडी हवा ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है, उसमें कोई प्रेशर से काम नहीं हो रहा, तो आपको प्लीजेंट कूलिंग मिलेगी। तो इस एरो विंग से आपको तो फीचर बेनिफिट मिलेंगे। एक बेनिफिट ये होता है कि 45 का डिस्टेंस मिलेगा, 45 फीट तक का एयर थ्रो मिलेगा। दूसरा, शावर कूलिंग मिलेगी, जो आपका सैमसंग का विंड्री एसी में आता है वही आपको सेम बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरा, ये फोर वे स्विंग में हेल्प करता है, एक तो अप एंड डाउन हो जाता है और लेफ्ट राइट का तो उसमें स्विंग दिया होता है। तो ये तीन बेनिफिट आपको एरो विंग में मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।